What a spectacular and unbelievable game by Team Australia. जी हाँ, it was the final match, the grand finale between two stronger teams. एक तरफ ऑस्ट्रेलिया, दूसरी तरफ टीम भारत. एक तरफ वो टीम जिसने 9 में से 7 मैचेस अपने नाम किए और एक तरफ वो टीम जो कि अनस्टॉपेबल थी, अनबीटेबल थी, अनमैचेबल थी. लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि वो अनबीटेबल, अनमैचेबल, अनस्टॉपेबल स्टॉप भी हो गई, मैच भी हो गई. एंड दे वर बैडली बैडली बीटन, बीट बॉलिंग, बीट फील्डिंग एंड बी इट बैटिंग. बात करेंगे जी आज हम ऑस्ट्रेलिया के ऊपर. वो तमाम लोग जो ऑस्ट्रेलिया से हमें देख रहे हैं, आपको आपका 6th वर्ल्ड कप टाइटल बहुत मुबारक हो. बात करते हैं मैच के ऊपर जनाब. इंडिया आज आया और 241 का टारगेट दे गया टीम ऑस्ट्रेलिया को. लेकिन टीम ऑस्ट्रेलिया भी तो टीम ऑस्ट्रेलिया है. जिस तरीके से ट्रेविस हेड ने आज जिम्मेदारी संभाली एंड द वे ही नेल्ड इट इज आई थिंक दे मेड ऑल ऑफ अस वेरी स्पीचलेस. क्योंकि ये लग ही नहीं रहा था, ये जहन में भी नहीं था कि ये हो सकता है. लेकिन नहीं, दिखाया आज ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कि देखिए 1987 की बात करें, 1999 की बात करें, 2003 की बात करें, 2007 की बात करें, 2015 की बात करें या 2023 की बात करें, ये कप हम ही लेके जाएंगे. वो एक दफ़ा फिर ले गए. वेलकम करते हैं अपने शानदार पैनलिस्ट को. लेट्स वेलकम रायजनान, हु हैपेंस टू बी अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट. अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम अस्सलाम, आई एम ऑल राइट. And then we have gotten the one who's always very clear about his vision. Welcome करते हैं हमारे sports journalist Hafiz Imran को. Assalamualaikum, good evening. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया. मुझे Hafiz Imran साहब की आवाज नहीं आ रही, तो इनकी आवाज प्लीज खोल दीजिएगा. Hafiz साहब, can you hear me? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया. हाफिज साहब, ये इतना बड़ा जश्न जहाँ पे 1,30,000 स्पेक्टेटर्स भारत के सबसे बड़े क्राउड, दुनिया के सबसे बड़े ग्राउंड में आए थे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में. चाहे आशा भोसले की बात करें, शाहरुख खान की बात करें, दीपिका पादुकोण की बात करें, उनके डेलीगेट्स की बात करें, बिजनेस आइकॉन्स की बात करें, यू नेम इट एंड दे वर ऑल देयर. ब्लू जर्सीज में खामोशी, यही एक चाहत थी जो कि कल पैट क्यूमिंस ने अपनी स्टेटमेंट में कही थी कि देखिए उन्हीं के ग्राउंड में जब खामोशी होगी ना, वो एक सेटिस्फाइंग मोमेंट है. और आज वो एक नहीं, दो नहीं, पूरे मैच में हमें ऐसा दिखा कि वो पूरा एक मैच जीत के ले गए टीम ऑस्ट्रेलिया. तो क्या कहां देखते हैं, क्या गलती हो गई आज टीम भारत से, क्योंकि ये तो अनस्टॉपेबल थे, ये तो अनमैचेबल थे. बहुत शुक्रिया जी. देखें, जो क्रिकेट इंडिया खेलता आया लीग मैचेस में और उसके बाद सेमीफाइनल में, आज वही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खेली है इस फाइनल में. उनके बॉलर्स ने आज बहुत शानदार गेंदबाजी का मुजाहिरा किया और जिस तरीके से मुसलसल उन्होंने विकेटें ली पहले बॉलिंग करते हुए, यही एक बड़ी वजह और बुनियादी वजह है कि इंडिया ऑन बोर्ड स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया. रन ऑन बोर्ड अगर आपके 300 से भी कम होंगे, 250 से भी कम होंगे, तो आपके लिए जीतना मुश्किल होगा. और एक ऐसी टीम के खिलाफ जो जहनी और मजबूत, जहनी तौर पर बहुत मजबूत मानी जाती है, जिनकी गेम अवेयरनेस बहुत अच्छी है, तो ऑस्ट्रेलिया ने आज बिल्कुल बड़ी अच्छी हिकमत अमली के साथ गेंदबाजी की. जब टॉस भी हुआ था उस वक्त भी रोहित शर्मा उतने ज़्यादा पुरेतमाद नहीं थे जितना वो इससे पहले नजर आते रहे हैं मुख्तलिफ मैचेस में. टॉस जीते ऑस्ट्रेलिया ने और उसके बाद सब कुछ जीता. शुभमन गिल के विकेट का जल्दी जाना, आप देखेंगे रोहित शर्मा का जो अपना काम था 10 ओवर्स में उन्होंने तो वो किया है बिल्कुल. लेकिन उसके बाद इंडियन बैटर्स ने जिस किस्म की उनको आज एक पार्टनरशिप की जरूरत थी, मुख्तलिफ वक्तों में 1 से 2 अच्छी पार्टनरशिप्स की जरूरत थी, वो लग नहीं पाए हैं. कुछ वक्त गुजारा केएल राहुल और विराट कोहली ने, लेकिन वो मैच को फिनिश करने की तरफ नहीं जा पाए, इनिंग्स को अच्छे अंदाज में फिनिश करने की तरफ नहीं जा पाए हैं. तो इस दौरान पैट कमिंस ने अपने बॉलर्स को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया. आप देखें कि आज के मैच की खास बात के जहन में ज़रूर रखनी चाहिए कि एक तो जो ऑस्ट्रेलिया के टॉप प्लेयर्स थे वो फॉर्म में नहीं रहे इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल. मिच स्टार्क जो है वो वेवर्ड रहे, बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनको बरकरार रखा गया प्लेइंग 11 में. इसी तरीके से लबुशेन का वर्ल्ड कप भी बहुत अच्छा नहीं जा रहा था, लेकिन उन्हें बरकरार रखा गया प्लेइंग 11 में और आज दोनों की कारकर्दगी सबके सामने है. फिर इसी वर्ष में 2023 में ट्रेविस हेड से आईसीसी की जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, ट्रेविस हेड वहां पर भी उन्होंने इंडिया को बहुत तकलीफ पहुंचाई रन करके. और आज तो यूं मुझे तो ये लगता है कि ट्रेविस हेड से शुरू हुई है इंडिया की नाकामियों का सफर इस वर्ष में और ट्रेविस हेड पे खत्म हो रहा है. आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को देख लें और आज इस आप आईसीसी के 50 ओवर्स वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल को देख लें. दोनों जगह पर अगर
सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा तकलीफ दे खिलाड़ी जो भारत के लिए रहे हैं वो ट्रेविस एडने हैं। वहां पर भी उन्होंने रन किए थे, मेरा ख्याल है 150 से ज्यादा रन ऑन बोर्ड किए थे एक इनिंग्स में, और यहाँ पर भी उन्होंने आप देखें कि जब बैटिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया आया इब्तदा में विकटें गिरी, लेकिन जिसने मैच इंडिया से खींचा और जिसने मैच इंडिया से छीना वो ट्रेविस हेड है। ट्रेविस हेड है। तो क्रेडिट सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के लोग, जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को दुनिया भर में फॉलो करने वाले, उनको पसंद करने वाले लोग हैं, उनको सबको मुबारकबाद कि उन्होंने फाइनल जीता है। लेकिन आज टेक्निकली इंडिया ऑस्ट्रेलिया बेहतर था, उन्होंने उनके बॉलर से ज्यादा अच्छी गेंदबाजी की। सूर्य कुमार यादव को जैसे बॉलिंग होती रही आप देखें कि वो बाकायदा तौर पर हिकमत अमली का हिस्सा था, फिर जैसे इब्तदा में उन्होंने आप रोहित शर्मा के अगेंस्ट फील्ड प्रेसिंग देखते हैं तो वहां पर भी आपको हिकमत अमली नजर आती है, और जब वो रन करने के लिए आए हैं इस टारगेट को चेस करने के लिए तो वहां पर भी हिकमत अमली नजर आती है। तो क्रेडिट उनको, और उसके बाद इंडिया को भी क्रेडिट मिलना चाहिए, टीम इंडिया को भी, कि उन्होंने सारे वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। बदकिस्मत रहे कि एक मरतबा से फिर वो ICC के नॉकआउट मैचेस में, और बिलखसूस जब वो फाइनल में आए हैं तो वो फाइनल जीत नहीं पाए हैं। क्रिकेट उन्होंने सारे वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी खेली है, रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, विराट ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, शामी की बॉलिंग बहुत शानदार रही, और जब सेकंड इनिंग्स में आज इंडिया बॉलिंग कर रहा था तो विकेटें इसलिए नहीं मिली हैं क्योंकि बॉल गेंद को बहुत ज़्यादा ऑफ द विकेट, फास्ट बॉलर्स को उतनी मदद मिली नहीं है जितनी इससे पहले मैचेस में मिलती रही है। और उसके साथ साथ आज अगर मजमूई तौर पर देखें तो बड़ी अच्छी सिराज को देखेंगे, बाउंड्री बॉल उन्होंने बहुत ज़्यादा किए, तो आगे जाकर मजीद इसके ऊपर बात हम करेंगे। लेकिन मजमूई तौर पर जो क्रिकेट इंडिया खेलता रहा लीग मैचेस में नॉकआउट में, आज वो ऑस्ट्रेलिया ने खेली और उनको मुबारकबाद दोनों टीमों को जो फाइनल खेली हैं। इंडिया के लिए कुछ इसका इख्तिताम अच्छा नहीं हुआ, लेकिन एक मेजबान मुल्क की हैसियत से उन्होंने इसको फिनिश अच्छे अंदाज में नहीं कर पाए, लेकिन एक अच्छी क्रिकेट इस वर्ल्ड कप पे दुनिया को देखने को मिली है।